नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार बोर्ड की ओर से आज रिजल्ट जारी कर दिया गया, मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। मैट्रिक में औरंगाबाद की रहने वाली रमाइनी टॉप की है और वह पत्रकार बनना चाहती है। डॉक्टर की बेटी है रमाइनी और इसकी माँ टीचर है। रमाइनी ने कहा कि वो पत्रकार बनकर लोगों की, समाज की सेवा करना चाहती है, जबकि थर्ड टॉपर प्रज्ञा का कहना है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। वह किसान की बेटी है प्रज्ञा और उसकी माँ गृहिणी है, वो घर में हाउसवाइफ है, डॉक्टर बनना चाहती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का कहना है कि हम दिन भर में 8 घंटा पढ़ाई करते थे और अपने 8 घंटे की पढ़ाई के बाद अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। वो अपने मार्क्स से संतुष्ट है, लेकिन उसका कहना था कि मैथ में मेरा नंबर कुछ कम आया है। यही शिकायत सेकेंड टॉपर सानिया का भी रहा है। सानिया के पिता मिठाई का दुकान चलाते हैं, वो अपनी बेटी की इस सफलता पर खुशी से रोने लगे। उनका कहना था कि मेरी बेटी ने मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया है समाज में, जिला में और परिवार में, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। सानिया डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनकर ही समाज की सेवा करना चाहती है। आइए आपको मिलाते हैं रमाइनी से, जो कि बिहार बोर्ड की टॉपर है 10th की, और दूसरी टॉपर सानिया से जो नवादा की रहने वाली है, और तीसरी टॉपर प्रज्ञा से जो कि औरंगाबाद की है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। क्या कुछ कह रही है ये लोग, आपको दिखाते हैं क्रमवार। खुशी हो रही है सर, आई एम वेरी हैप्पी। पहले ये नहीं सोचे थे कि टॉप आ जाएंगे, बस अंडर 10 आने का ड्रीम था। आगे हम जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल माता पिता का, बच्चे पे भरोसा होना माता पिता का बहुत ज़रूरी होता है सर, और वो मेरे माता पिता ने मेरे पे रखा है सर, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। बच्ची अगर चाहेगी तो हम करवाएंगे, जो इसका इच्छा होगा वो हम करवाएंगे। अभी तो बहुत सुंदर महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले हमारे टीचर राहुल सर और कुंदन सर ने बताया कि मेरा तीसरा स्थान आया है, तो वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन लोग का ही मेहनत था कि आज मैं इस स्थान को प्राप्त की हूँ, और ये श्रेय मैं किसी एक इंसान को नहीं दूंगी। इसमें सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का नाम लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प किया। उसके बाद मेरे टीचर्स, मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।